आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। माइग्रेंट लेबर्स की भीड़ आप देख रहे होंगे, बड़ी भारी मात्रा में है। कोई मीडिया कर्मी पहुंच जाता है तो तुरंत अपना दुखड़ा सुनाने के लिए वे सामने आ जाते हैं। प्रशासन की मजबूरी है कि उनको लाठियां मारकर एक तरफ करना पड़ रहा है, लेकिन उनके जाने की व्यवस्था बिल्कुल की जानी चाहिए क्योंकि उनकी मजबूरी है। जितनी दूर सर चल के आए हैं, जितनी दूर से वह वापस वहीं नहीं पहुँच जाएंगे, तो इस परेशानी का बिल्कुल सामना नहीं कर पा रही है सरकार, अपना मुंह मोड़ती हुई नजर आ रही है। ये तो विपक्ष के नेता हैं, वह कुछ ना कुछ करेंगे ही। इसको आप राजनीति कह लीजिए या समाज का सहयोग कह लीजिए। राहुल गांधी भी, आप सुखदेव विहार की बात है, सुखदेव विहार में मजदूरों से मिले, उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की, उनके गम को हल्का किया, तो निर्मला सीतारमन बाहर आती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं आप सभी जानते हैं, तो एक फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह का बयान क्यों दे रहा है, किसी के कहने पर दे रहा है, वह बात की बातें हैं। तो वह कहती हैं कि आप उनके घर तक उन्हें क्यों नहीं छोड़ आए, उनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद करने वाली बात में हमने ध्यान दिया क्योंकि समय तो उनका लगातार बर्बाद हो ही रहा है। जिस तरह से वो बॉर्डर पर खड़े हैं, लगातार उनको खाना नहीं मिल रहा है, कुछ आम लोग आ रहे हैं, कुछ एनजीओज आ रहे हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन यह भी एक सत्य है कि इतना खाना नहीं होता है कि सभी लोगों को परस्पर मिल जाए, बराबरी से मिल जाए, सबका पेट भर जाए, बल्कि बस जितना मिल गया उसको खा लीजिए, इतना ही काफ़ी है। पेट भरने के लिए वह खाना कहीं ना कहीं काफ़ी नहीं है। तो इन आलोचनाओं के दौर पर शिवसेना की तरफ से भी एक बयान आया है। उद्धव ठाकरे का ने बयान दिया है, सामना जो उनका मुखपत्र है उसके संपादकीय में अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि आप खुद तो काम करने के लिए बाहर निकल नहीं रहे हैं, मजदूरों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एयर कंडीशनर रूम में बैठकर ट्वीट किए जा रहे हैं, विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी लगातार निशाने पर लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी की यहाँ तारीफ की है। अब इसका मतलब यह नहीं है आप कहेंगे कि आपका महाराष्ट्र में गठबंधन है कांग्रेस के साथ तो आप राहुल गांधी की तारीफ करेंगी। बात यह नहीं है कि आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि हालात कैसे हैं, इन हालातों को देखते हुए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तो राहुल गांधी का कदम कोई गलत नहीं था। यदि आप असहाय लोगों से मिलने जा रहे हैं, परेशान लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो यह कदम कैसे आखिर गलत हो सकता है। लेकिन इसकी भी आलोचना हो रही है। यहां तक कि कल तक कहा करते थे बीजेपी के ही नेता, उसके समर्थक, कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कह लें, विपक्ष सिर्फ आलोचना ही उसमें ढूंढता है। तो यहां आप विपक्ष की आलोचना ढूंढ रहे हैं, मतलब आप इतना नीचे हो चुके हैं, आपको इतना डर लगने लगा है कि सत्ता में रहते हुए भी, अभी वक्त बाकी भी है सत्ता में, आपका अंतिम वक्त नहीं है, उस पर भी आप अपने एक कमजोर विपक्ष पर ही निशाना साध रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे का और मुखपत्र सामना में जो संपादकीय छपा हुआ है, तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं और लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा होगा। तो बिल्कुल सही बातें कही हैं। इस संबंध में आप बताएं हमें, क्या राहुल गांधी का मिलना उन मजदूरों के साथ गलत था या सही था? क्या उनके घर तक उन्हें लेकर जाना चाहिए था तभी ये बात सामने आती कि वह उनकी हिमायत के लिए निकले थे, बल्कि केंद्र सरकार का जो काम है, केंद्र सरकार तो उसमें असफल है और राहुल गांधी को निशाना बना रही है। तो आप इस संबंध में अपनी सलाह दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादातर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।